हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट क्लास में जो है वाटर सिस्टम के बारे में बात करी थी, विच इज़ वन कंपोनेंट सिस्टम एंड देयर इज़ अनदर वन कंपोनेंट सिस्टम इज़ सल्फर सिस्टम। देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, क्योंकि देखिए एक ना एक सिस्टम आपसे एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा, 100% कंपल्सरी एनी सिस्टम कैन बी आस्क्ड टू योर एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, मैं देखो दूसरे पेज में बात करता हूँ कि यहाँ पे जो गंधक की जो दो एलोटॉपिक फॉर्म्स हैं, सबसे पहले अपन उनकी बात कर लेते हैं। गंधक की जो दो एलोटॉपिक फॉर्म हैं, जिसको अपन अपरूप कहते हैं, पहला है आपका विषम लंबाक्स, दूसरा है एक नताक्ष। इसको अपन कह सकते हैं मोनोक्लिनिक, और एक है आपका रोम्बिक। रोम्बिक मतलब SR और SM, ये दोनों, S फॉर सल्फर, R फॉर रोम्बिक, M फॉर मोनोक्लिनिक एंड S फॉर सल्फर। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटर कन्वर्ट हो सकती है 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। समझिए इस बात को, ये इसका संक्रमण ताप है, मतलब बिलो 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ रोम्बिक सल्फर, एंड अबव 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। ओके, सो देर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस SR एंड SM। ओके, तो ये समझ में आ गया सब लोगों को। तो अब देखिए, वापस अपन इस कर्व के ऊपर चलते हैं, आप कर्व में देखेंगे, सॉरी, तो ये इस तरीके से 95.6 डिग्री के ऊपर के नीचे रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करता है, और 95.6 डिग्री के ऊपर एक नताक्ष मतलब मोनोक्लिनिक गंधक जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब देखिए ये गंधक हो गया। अब अपन बात करते हैं वापस इस ग्राम डायग्राम पर। अब आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें देखिए मैं आपको बता दूँ, इसमें टोटल चार फेजेस हैं। कितनी फेजेस हैं? चार। कितनी वो है? चार इसमें प्रावस्थाएं होंगी। टोटल कितनी प्रावस्थाएं हैं यहाँ पे? चार प्रावस्थाएं। पहली प्रावस्था है SR मतलब रोम्बिक सल्फर, दूसरी प्रावस्था हो गई आपकी SM, तीसरी प्रावस्था हो गई SL लिक्विड मतलब लिक्विड द्रव गंधक। प्रावस्थाएं होती है ना, जैसे भाई उसके अपरूप भी एक प्रावस्था में होते हैं, द्रव गंधक, और चौथी प्रावस्था हो गई आपकी वाष्प गंधक। चार प्रावस्थाएं, टोटल चार प्रावस्थाएं। लेकिन ये अब देखिए, क्लियर, आगे चले अपन आगे। अब देखिए, अगर चारों प्रावस्थाएं चारों की चारों प्रावस्थाएं जो हैं एक साथ साम्य में हो, तो F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, ये अपना इक्वेशन है। चूंकि वन कंपोनेंट सिस्टम है, कंपोनेंट तो सब में सल्फर ही तो है, तो C की वैल्यू कितनी हो गई? वन। और अगर P की वैल्यू को अगर मैं चार मानूं, तो आप यहाँ पे जब वैल्यू निकालेंगे, F इज इक्वल टू वन माइनस फोर प्लस टू, तो F की वैल्यू आएगी माइनस वन, जो कि संभव नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम टू मिनिमम जीरो हो सकती है, माइनस वन तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या हो गया कि चारों प्रावस्थाएं एक साथ इक्विलिब्रियम में संभव नहीं होंगी। मतलब कम से कम कितनी हो सकती है? ज्यादा अधिकतम तीन प्रावस्थाएं। जैसे वाटर सिस्टम में तीनों प्रावस्थाएं थी ना, ठोस, द्रव और गैस, उसी तरीके से यहाँ पे चारों में से कोई भी तीन प्रावस्थाएं एक साथ साम्य में हो सकती है। एक साथ साम्य में हो सकती है, अतः अपन ये कह सकते हैं कि
ये बात क्लियर होगी। तो इस बार इसके ऊपर क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, शून्य। कितनी आ जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, जीरो आ जाएगी। तो ये वाली बात अपन ये यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरी बात और कर लेते हैं अपन, ये देख लीजिए 95, अब मैं आपको राइट करा रहा हूँ, 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये क्या है कर्व में देखिए, यहाँ पे कर्व है, आप ध्यान देना, देते हुए चलना। एफ ए ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व, इस कर्व में क्या है, ऊर्ध्वपातन आ रहे हैं, मतलब इधर कौन सी सल्फर है, रोम्बिक सल्फर। कौन सी सल्फर है, रोम्बिक सल्फर का मतलब होता है आपकी जो विषम लंबाक्स। और ये इधर कौन सी, ये पूरा वाष्प, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला कौन सा एरिया है, ये पूरा का पूरा वाष्प एरिया है। इधर ये वाला एरिया आपका लिक्विड एरिया है, कौन सा एरिया है, लिक्विड एरिया। ये वाला कौन सा है, सॉलिड एरिया, ठीक, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया ऐसे, तीन तो ये हो गए, दो तो ये हो गए, तीसरा ये वाला एरिया जो है इधर वाला रोम्बिक सल्फर का है। इससे आगे ये वाला एरिया कौन सा हो गया आपका, मोनोक्लिनिक सल्फर का हो गया। ओके, ये पूरा कर्व है जिसमें दो प्रावस्थाएं, ये वाले पूरा कर्व है, ये वाला जिसके अंदर दो प्रावस्थाएं, यहाँ पे, तो यहाँ पे बीच में जो गैप लग रहा है, देख लीजिए यहाँ पे जो गैप लग रहा है वो कितना आ गया, 95.6 डिग्री के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि 95.6 डिग्री का क्या है, संक्रमण था, मतलब क्या है, यहाँ से इस 95.6 डिग्री से पहले तो कौन सी एग्जिस्ट करेगी, रोम्बिक सल्फर। कौन सी एग्जिस्ट करेगी, रोम्बिक सल्फर। और इस 95.6 डिग्री के बाद में कौन सी एग्जिस्ट करेगी, मोनोक्लिनिक सल्फर। ओके, इस तरीके से। अब देखिए ये ऊर्ध्वपातन आरेख है, कौन सा वाला, ऊर्ध्वपातन आरेख, जिसमें रोम्बिक सल्फर किसके साथ में साम्यावस्था में होंगी, वाष्प के साथ में। तो इसलिए ऐसा ऊपर लिखा है मैंने, और नीचे क्या लिखा है, वाष्प लिखा है, ठीक है। इसके बाद में ये वाला जो कर्व है, ये किसके लिए, मोनोक्लिनिक के लिए, तो मोनोक्लिनिक और नीचे क्या, वाष्प, क्योंकि इधर नीचे पूरी वाष्प है ना, ये वाली वाष्प है, ये वाली वाष्प है, तो नीचे वाष्प के साथ में इधर रोम्बिक और इधर मोनोक्लिनिक। क्लियर है सब लोगों को, कर्व समझा रहा हूँ, आप कर्व देख लीजिए पहले कि कर्व किस तरीके से काम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इधर इधर देखिए ये संक्रमण आरेख है इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या हो गया, इस पॉइंट को 95.6 डिग्री के ऊपर क्या हो गया, एक दूसरे में एग्जैक्ट दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर क्या है, दोनों के बीच का संक्रमण था इक्वल हो गया। ऐसे ही ये वाला जो कर्व है, ये भी ऊर्ध्वपातन कर्व क्यों का है, क्योंकि यहाँ पे मोनोक्लिनिक और वाष्प के साथ में। ऊर्ध्वपातन का मतलब यही तो होता है कि जब कोई ठोस पदार्थ सीधा ही वाष्प में परिवर्तित होता है, इसको ऊर्ध्वपातन करेंगे, ठीक है। इधर मोनोक्लिनिक लिक्विड के साथ में, भाई ये पूरा मोनोक्लिनिक है, इसके 95 के बाद में जो भी ठोस गंधक होगा वो तो सारा का सारा मोनोक्लिनिक ही तो होगा ना, तो एसआर तो केवल यहाँ तक ही होगा, क्योंकि 95 से नीचे रोम्बिक होता है, उसके ऊपर क्या होता है, मोनोक्लिनिक। तो ये मोनोक्लिनिक वाष्प के साथ साम्य बना रहा है इधर, तो इधर मोनोक्लिनिक किसके साथ बना रहा है, लिक्विड, क्योंकि ये वाली स्टेज कौन सी है, लिक्विड वाली। समझ आया सब लोगों को, इस तरीके से। और इधर क्या है, ये वाला ये संक्रमण आरेख हो गया, क्योंकि इधर एसआर और एसएम, भाई इस पॉइंट से इधर वाला तो रोम्बिक सल्फर हो गया, इस पॉइंट से ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, इससे इधर वाला कौन सा है, रोम्बिक, और इधर वाला कौन सा है, मोनोक्लिनिक। समझ में आया, अरे समझ में आया कि से नहीं आया सब लोगों को, भाई देखिए ये वाला जो पूरा पॉइंट है, ये वाला पूरा ठोस है, ये कौन सा है, ठोस है। अब ठोस जो गंधक है वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो हो सकती है एसआर, या फिर हो सकती है एसएम। ओके, दोनों में दोनों हो सकती है। हमें पता है कि 95.6 डिग्री से नीचे रोम्बिक होगी और ऊपर मोनोक्लिनिक होगी। तो आप देखिए, देखिए इधर इस 95.6 डिग्री से इधर वाली जो गंधक है, ये वाली सारी की सारी रोम्बिक सल्फर है, और इधर वाली मोनोक्लिनिक है। ओके, क्लियर है सब लोगों को, ये मैंने थोड़ा सा आपको कर्व के बारे में बताया, समझ आया सब लोगों को। अब अपन एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चल देंगे। यहाँ पर बेसिकली टोटल कितने कर्व हैं, चार कर्व हैं। कुल जो कर्व हैं वो कौन कौन से हैं, कुल जो आरेख हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका है एफ ए, अभी आप डायग्राम दिखाएंगे आपको, दूसरा है ए बी, तीसरा है बी ई, चौथा है ए सी, पांचवा है बी सी, छठवा है सी डी। टोटल कितने कर्व हो गए यहाँ पे, छह कर्व हो गए, ठीक है। अब आपको मैं एक कर्व बताता हूँ, ठीक है, पहले आप ध्यान दीजिएगा। एफ ए कर्व की बात करते हैं अपन, अब आप एफ ए कर्व की बात करो, ये जो एफ ए कर्व है आपके सामने है, ये वाला कर्व एफ ए कर्व है, इस कर्व में रोम्बिक सल्फर वाष्प गंधक के साथ में
साम्यावस्था में है, एस आर एस वी के साथ में साम्यावस्था में। ओके, पहला हो गया आपका एफ ई आर एक, जिसमें एस आर एस वी के साथ में इक्विलिब्रियम में। तो कितनी प्रावस्था हुई यहाँ पे, ऐसे मैं केवल एक समझा रहा हूँ, बाकी का आपको खुद को करना पड़ेगा। प्रावस्थाएं कितनी हुई, प्रावस्था आपके सामने दो, मैंने कहा ना कि एक साथ चार नहीं हो सकती, अधिकतम तीन, दो भी हो सकती है। यहाँ पे कितनी है, दो हैं इस करो। अरे भाई देखिए ना आप इधर कितनी है, दो प्रावस्थाएं हैं। ये देखो, एक तो आपकी एस आर हो गई और एक क्या हो गई, एस वी हो गई, दोनों हैं एक दूसरे की, तो इसलिए अपन कह सकते हैं। और घटक कितने हैं, वो तो कंपोनेंट तो एक ही है, तो आप यहाँ पे स्वतंत्रता की कोटि निकालेंगे, वो कितनी निकल के आएगी, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। तो एफ इज इक्वल टू वन माइनस पी इज इक्वल टू टू प्लस टू, टू से टू कैंसिल हो गया, सो एफ इज इक्वल टू वन। कितनी हो गई, एफ इज इक्वल टू कितनी हो गई, वन हो गई। तो कहने का मतलब यहाँ पे केवल जो है दो प्रावस्था बन रहे, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु को, वक्र को किसी बिंदु को व्यक्त करने के लिए केवल एक ही चर की राशि जरूरत होगी, जो ताप हो सकता है या दाब हो सकता है, कोई भी एक चर। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यही है। ऐसे ए बी बी सबके लिए निकाल सकते हैं, जैसे मैं ए बी की बात करूँ, ए बी ये वाला ए बी, ये जो वाला कर्व है ये ए बी है, तो ए बी के लिए आप बात कर सकते हैं, ऊपर मोनोक्लिनिक है और नीचे वाष्प, तो ये दोनों प्रावस्थाएं होगी, तो इसके लिए भी स्वतंत्र कोटि एक आएगी। इसके लिए बात कर सकते हैं, इसमें एस एल और एस वी एक दूसरे के, उसमें इधर ऊपर लिक्विड है नीचे वाष्प है, इधर बात करें तो एस आर और एस एल, इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं आराम से। हम कर्व के बारे में आराम से हम निकाल सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद में देखिए आगे अगर हम बात करते हैं, तो ये कुल आरेख की बात हो गई। इसके बाद में अपन कोई भी ये ले सकते हैं कि इसमें त्रिक बिंदु भी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, त्रिक बिंदु, जिसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में